नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। खालिस्तान मूवमेंट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये भारत की बात नहीं है, ये अन्य देशों की बात है, जिसमें सबसे बड़ा इशू कनाडा बना है हमारे लिए। हाल ही में ब्रैम्पटन, जो कि कनाडा में स्थित है, वहाँ पे एक हिंदू मंदिर है, वहाँ उस हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ इंडिया में इस बात पे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, साथ ही साथ इंडिया और कनाडा के रिलेशन, जो कि पहले से ही ख़राब हो चुके हैं, और भी ख़राब होने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसी के बारे में, किस प्रकार से ये सिचुएशन बढ़ रही है, किस प्रकार से सिचुएशन पे कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एक इडियट बोला गया है वहाँ के खुद के एक एक्स कैनेडियन मिनिस्टर द्वारा, और किस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हमें आज देखना पड़ेगा। देखो, वैसे तो अगर हम कैनेडा की बात करें तो ब्रैम्पटन में ये हादसा हुआ है। ब्रैम्पटन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कैनेडा है, ठीक, कैनेडियन कंट्री, ये ब्रैम्पटन है। ब्रैम्पटन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेट लेक्स है ना, ये सारी लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी, ओंटारियो, इनके बीच में सिचुएटेड है ब्रैम्पटन। यहाँ पे एक हिंदू मंदिर है। अब हिंदू मंदिर पे अटैक होना खालिस्तानियों द्वारा एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि एक सिम्बॉलिज्म है कि हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। खालिस्तानी कह रहे हैं हम हिंदुओं के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में किस प्रकार से यहाँ की पॉपुलेशन है, हिंदूज की पॉपुलेशन 2021 में अगर हम देखें तो 2.3% है, ये 3 साल पहले की बात है, और यहाँ पे सिख की पॉपुलेशन 2.1% है। मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे, अमंग दी पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में रिप्रेजेंट होती है, मुस्लिम 4.9% है। 2001 में ये 2% थे, ये बढ़ गए थे 10 सालों में, 4.9 हो गए थे। इसके बाद सिमिलरली हिंदू की पॉपुलेशन रेट भी काफ़ी बड़ी थी, और सिख्स की भी काफ़ी बड़ी है, सिख्स की सबसे ज़्यादा बड़ी है वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिख पॉपुलेशन लगातार कनाडा में बढ़ती चली जा रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर सिख है जो वो खालिस्तानी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद ही उज्जल दोसांझ है जो कि एक कैनेडियन सिख हैं, वो बोलते हैं, वो फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टिन के अंतर्गत, उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो एक इडियट हैं, क्योंकि वो लगातार खालिस्तानी सपोर्ट को लेने के लिए भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। अब बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है ये खालिस्तानियों के ऊपर ही निर्भर करती है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पॉपुलेशन है सिख की, वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। खालिस्तान क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और इस तरह इन तरह के लोग वहाँ के पार्लियामेंट में आराम से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो जब तक जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी बना के रखनी है, उन्हें खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन वहाँ लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेंगे? 2-3 चीज़ें करके। पहले तो खालिस्तान मूवमेंट को एक वैलिडेटेड मूवमेंट बताएंगे। दूसरी चीज़, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओपनली खालिस्तानी कैनेडा में हिंदुओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर अटैक्स कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मारने की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनफैक्ट निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी था, जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसकी हत्या कर दी गई, यहाँ पे अब सीधे सीधे कैनेडा ने आरोप प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लगाया है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होते चले जा रहे हैं कैनेडा के साथ। यहाँ पे हाल ही में जब कैनेडा के टेम्पल में इस तरह का एक हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साफ साफ कंडेम किया और कहा है कि ऐसे अटैक्स टेररिज्म में आते हैं, और कैनेडियन सरकार इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। इसके अलावा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारा इशू हरदीप सिंह निज्जर इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुआ। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लास्ट ईयर कर दी गई थी, ये एक खालिस्तानी था, और यहाँ पे इसकी हत्या का आरोप कनाडा ने सीधा सीधा भारत पे लगाया था। यहाँ पे सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, भारत एज अ कंट्री के ऊपर नहीं, बल्कि वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर भी लगाया है हाल ही में। इसके अलावा अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये हाईएस्ट लेवल प्राय अमित शाह जी के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, और ये बहुत बड़ा अटैक है सॉवरेंटी पे। एम्बैरेसमेंट तो है ही कंट्री के लिए, साथ ही साथ हमारी सॉवरेंटी पे एक अटैक भी है। कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि क्रेडिबल एलिगेशंस देख रही है, पर जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा पूरा खुला चिट्ठा एविडेंस नहीं है जिस पे हम बोल सके कि हाँ भारत इसमें संलिप्त है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर पंजाब की बात करें, पंजाब सिर्फ एक रीजन नहीं है,
पंजाब बहुत सारे पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए एक इमोशन है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब पंजाब भी अपने आप को एक अलग सा देश बनाना चाह रहा था। अब खालिस्तान मूवमेंट क्या कहता है? खालिस्तान कहता है कि भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों को मिलाकर हम एक अलग से देश बनाएंगे, और इसमें भारत के अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, जलंधर जैसे क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान का रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, लाहौर भी शामिल हैं। यानी कि ये चाहते भारत और पाकिस्तान दोनों से ही उभरे एक नया देश जिसका नाम होगा खालिस्तान, और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हिस्ट्री अगर देखेंगे सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, तो 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म एक रिलीजन को फाइंड आउट किया था। 1675 में गुरु गोबिंद सिंह जी को लीडर ऑफ द फेथ बताया गया था। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। इसके बाद पार्टीशन होने के बाद अलग से एक सिख राज्य बनाने की भी मांग हुई, क्योंकि मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जा रहा था, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन रहा था। बल्कि हम कभी नहीं कहते थे कि हम हिंदुओं के लिए बन रहे हैं, हम ये कहते थे हम धर्म निरपेक्ष, हम सेक्युलर हैं, हम सबके लिए एक समान हैं। तो सिख कहते थे कि हमें 1948 से इन्होंने बोला कि हम एक पंजाबी सिख, चलो हम एक देश मत दो, हमें एक ऑटोनॉमस स्टेट दे दो जिसका संचालन हम खुद से करें, जैसे जम्मू कश्मीर है ना, उसी तरह का ये अपना एक स्टेट मांग रहे थे। ये तारा सिंह जी ने कहा था। 1970 के दशक में सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट और तेजी से बढ़ने लगा भारत में। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया, जिसने कहा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कब्जा ना रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना देश चलाए अलग से, और सिख के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए। फिर जून 1 से लेकर जून 10 के बीच में वो घटना हुई जिसके लिए हम पूरा देश आज भी मातम मनाता है, जो कि है इंडियन फोर्सेस ने जब गोल्डन टेंपल में जाके अटैक किया था। और ये अटैक क्यों था? क्योंकि यहाँ पे भिंडर, अगर हम बात करें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिख मूवमेंट का, खालिस्तान मूवमेंट का भिंद्रेवाला यहाँ पे छुपा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि गोल्डन टेंपल में कोई आएगा नहीं। पर जिस प्रकार से यहाँ पे गोल्डन टेंपल में छुप के ये गलत गलत कार्य कर रहा था, लोगों की हत्या कर रहा था, यहाँ से इसको निकालना ज़रूरी था। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद अक्टूबर 31, 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो जिन्होंने पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था, इनको असैसिनेट कर दिया गया था, जान से मार दिया गया था। इनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने ये किया था, और व्यापक रूप से फिर पूरे देश में हिंसा सिखों के अगेंस्ट भड़क गई थी। फिर जून 23, 1985 की बात करें तो एक बॉम्ब एयर इंडिया फ्लाइट के ऊपर फटा, जिसकी वजह से जितने भी 329 लोग थे वहाँ पे सब मर गए थे। वहाँ पे सिख सेपरेटिस्ट जो कि कनाडा से कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो 20.8 मिलियन सिख अभी भारत में रह रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी है, 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर सिख जो कि खालिस्तान में रह रहा, माफ़ कीजिएगा, जो कि कनाडा में रह रहा है, वो खालिस्तानी ही है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। कनाडा के 3 मुख्य संघीय दलों के नेताओं ने टोरंटो के उपनगर ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में भारत वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों के दौरे के दौरान हुई हिंसक झड़पों की निंदा भी की है। झड़पों के बाद एक बयान में ओटावा स्थित भारतीय उच्चोत्तर ने कहा है, उच्चायोग ने कहा है कि आप बेहद निराशाजनक है, व्यवधानों के कारण ही नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। सोशल मीडिया पे इसकी फुटेज भी आई है। खालिस्तानी समर्थक इसमें साफ साफ अन्य लोग सहित प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे खालिस्तानियों का ध्वज, वो अपना ध्वज भी लहरा रहे हैं। लोग हाथापाई करते हैं और टकराव में डंडे का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसके समर्थक भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति का विरोध भी कर रहे हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन सहायता सहित प्रशासनिक सेवाएं देने में मंदिर में आए थे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे और एनडीपी नेता जगमीत सिंह सभी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जो भी हिंसा हुई है उसकी निंदा भी की है। पोलवरे ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की जो हिंसा बोली उसे निंदा की गई है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने मंदिर के बाहर हिंसा की घटनाओं पर निराशा व्यक्त की है, और अब निराशा व्यक्त करने से क्या ही होगा, क्योंकि जब इसके ऊपर यहाँ पे विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे चर्चा की थी कि ऐसे आप टेररिज्म को, जो पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान बनता चला जा रहा है, जिस तरह से कनाडा जा रहा है वो बिल्कुल पाकिस्तान बनता चला जा रहा है, पाकिस्तान ने भी अपने टेररिस्ट एलिमेंट्स पर कभी भी रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान के खिलाफ ही कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट पे
पंजा नहीं कसा गया तो लॉन्ग टर्म में कनाडा पूरा का पूरा खुद ही खालिस्तान बन जाएगा। इसके अलावा ब्रैम्पटन में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार पील क्षेत्रीय पुलिस ने भी बताया कि कोई गिरफ्तारी आरोप अभी तक नहीं लगाया गया है, लेकिन किसी भी हिंसा या धमकी की कार्रवाई की जांच करने का वचन भी दिया गया है। इसके अलावा लिबरल सांसद चंद्रा आर्य ने कैनेडियाई खालिस्तानी चरमपंथियों पर हिंदुओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें कैनेडा में मुफ्त पास मिला है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ओटावा में भारतीय उच्च आयोग ने अपने बयान में ये भी कहा कि पिछले वर्षों की तरह ओटावा में भारतीय उच्च आयोग ने वैंकूवर और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास में स्थानीय जीवन प्रमाण पत्र लाभार्थियों की सुविधा के लिए इस अवधि के दौरान वाणिज्य दूतावास शिविर में आयोजन और योजना बनाई है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, पर कनाडा पूरी की पूरी तरह से खालिस्तान बनता जा रहा है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। भारत ने 1947 से ही कनाडा के साथ रिश्ते बनाए हैं, संघीय ढांचे के साथ दोनों ही चलते हैं, केंद्र मजबूत है हमारा कनाडा और भारत दोनों का ही, और फेडरेशन भी है। साथ ही साथ शीत युद्ध के युग के दौरान दोनों देशों ने अपनी साझा राष्ट्र मंदिर स्थिति और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए आपसी समर्थन के कारण समान अधिकार लिए। कोरिया, हंगरी एवं वियतनाम जैसे वैश्विक संकटों पर कुछ कुछ मतभेद इनके साथ लगातार उत्पन्न होते रहे। जब हमने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था तब भी भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ा था। 1980 के दशक में कनाडा में भारतीयों का आप्रवासन बढ़ा और भारतीय संबंधों में कनाडा की रुचि फिर से जागृत हुई। व्यापार और सुरक्षा सहयोग की सीमित संभावनाओं के बावजूद रिश्ते पुनर्जीवित किए गए। 1998 में फिर से पोखरण हुआ और फिर से दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। यद्यपि हाल के वर्षों में देखें तो व्यापार और निवेश हम दोनों का सबसे बड़ा आधार है। अप्रैल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, और जब कनाडा से भी आए थे तो हमने भी द्विपक्षीय संबंधों को उस दौरान भी मजबूत किया था। पर हाल के समय में भारत और कनाडा के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है ये $6 बिलियन ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा अभी तक भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए तकनीकी वार्ता में भी संलग्न हैं। साथ ही साथ शिक्षा और नवाचार में हम आगे बढ़े। बहुत सारे कैनेडियन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाके पढ़ते हैं। इसरो और कैनेडी की जो कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी है वो भी कार्य कर रही है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स बनाने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तनाव है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। तो फाइव आईज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क है, और इसरो की वाणिज्यिक शाखा अंतरिक्ष ने कनाडा के लिए नैनो उपग्रह लॉन्च किए। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। साथ ही साथ 6 नवंबर तक हमने अपना ऑफर जो दिवाली के लिए लाया था वो एक्सटेंड कर दिया है। कोई भी यूपीएससी कोर्स लेंगे 90% तक की छूट मिल सकती है उसमें। इसके अलावा एक्सटेंडेड 3 मंथ्स की वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में आपको फ्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। धन्यवाद।